स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी है हमारी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें बेटा मैं आपको कुछ बताऊंगी, बेसिक नॉलेज है ये स, श और श के बारे में। आपने बेटा इसमें हर कोई कंफ्यूज रहता है। ये स तीनों हमारे ऐसे हैं, इनमें हर कोई मोस्टली ही कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम स को श बोल देते हैं, श को स बोल देते हैं, और जो षटकोण वाला श होता है उसका हमें सही उच्चारण ही नहीं पता कि वो कैसे उच्चारित होगा। उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से है और वो कैसे बोले जाएंगे। देखिए बेटा, स जो होता है स सपेरे वाला, स हम जो हमारी जीभ होती है उसके अगले हिस्से से बोलते हैं और उसमें बिल्कुल हल्का सा हमारा जोर लगता है। स बोल के देखिए बेटा, स हमारे दांतों से जीभ टच होगी अगले वाला हिस्सा, फिर हम स बोलेंगे स। और जो श होता है, श हम जीभ के बीच वाले हिस्से से बोलेंगे, उसमें स से थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है, वो भी आप उच्चारण करके देखिए। श ध्यान से सुनिए और समझिए, श कहाँ से बोला जा रहा है, हमारे जीभ के बीच वाले हिस्से से। और तीसरा हमारा श है षटकोण वाला, वो षटकोण वाला श बेटा मोस्टली इनका साउंड श का और षटकोण वाले श का सेम ही है, बट इसको उच्चारण में इसका थोड़ा फर्क आता है। जब इसको हम उच्चारित करेंगे तो ये हमारा श ये हमारी जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोला जाएगा और इसमें ज़्यादा ऊष्मा लगेगी, ये ज़्यादा जोर दे के बोला जाएगा। ये भी आप उच्चारित करके देखिए श। अब आपने बेटा क्या करना है, कई बार हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक मोस्टली करते हैं इसमें। जैसे हम शुरू वर्ड बोल देते हैं तो शुरू को हम शुरू बोल देते हैं, शेर होता है शेर को हम शेर बोल देते हैं, ठीक है। और जो श होता है षटकोण वाला, उसका हमें सही उच्चारण ही नहीं पता कि वो कैसे बोला जाएगा। अब आपने इतना काम करना है बेटा, सबसे पहले तो आपने ये उच्चारित करके देखने हैं और फिर उसके बाद 3-4 वर्ड्स कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ आपने खुद से ये राइट भी करने हैं और इनको बोल के भी देखना है। और जो बेसिक मैंने बताया है इनका उच्चारण स्थान, वो ध्यान में रखकर आपने बोलना है, फिर इससे शायद आपकी ये क्लियर हो जाए जो इसमें थोड़ी मिस्टेक होती है स श और श में। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, राइट करके मैं आपको दिखाती हूँ, बोल के भी दिखाऊंगी। अब स से बेटा हम कुछ वर्ड लेंगे। देखिए जैसे स र ल, सरल सहज सरल सहज, सपेरा अब ये ध्यान से आप देखिए, ये स बोलने में कितना टाइम आपको लग रहा है और कितना इसमें आपकी ऊष्मा लग रही है बोलने में। अब ये वाला श आ जाएगा, श हमारा जीभ के बीच वाले हिस्से से बोला जाएगा। और देखिए इसके हम कुछ शब्द लिखते हैं, सबसे पहले तो हम शब्द ही लिखेंगे, शब्द शलजम अगला है शेर। देखो बेटा हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इनको, इनका जब उच्चारण करते हैं उसमें, शेर को हम शेर बोल देते हैं। अब ये देखिए श, श के हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, षटकोण श। देखिए बेटा ये हम कैसे बनाते हैं, प बनाकर
इसको बिल्कुल बीच में ऐसे हमने करना है, ऐसे काटना है इसको प को, फिर षटकोण श हमारा बनेगा, षटकोण। नेक्स्ट है हमारा षडानन, षडानन। नेक्स्ट लिखेंगे षड्यंत्र, ठीक है बेटा। कुछ ये वर्ड्स मैंने राइट कर दिए हैं, कुछ इनसे अलग आप और वर्ड राइट करोगे इन तीनों के, और अपने अपने टीचर के पास ये सेंड करोगे। और इसके अलावा आपने अपनी एक वीडियो भी बनानी है, उसमें आपने इनका अच्छे से उच्चारण करके वो सुनाना है हमें कि आप स, श और श में अच्छे से डिफरेंस आपको पता लगा है या नहीं लगा है, उनका आपने अच्छे से उच्चारण करना है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ इसके बारे में ही। हाँ जी बेटा, अब देखिए मैं एक और तरीका आपको बता देती हूँ। जैसे आप स बोलोगे तो आप आगे हाथ कीजिए अपने माउथ के आगे और फिर बोलिए स। देखिए आपको कितना मतलब हवा बाहर आ रही है स बोलने में। फिर आप श बोलिए श, उसमें हमारे मुंह से थोड़ी ज़्यादा हवा बाहर निकलेगी। और फिर आप श बोलिए, फिर देखिए उसमें आपकी कितनी ऊष्मा लग रही है, कितनी हवा आपके मुंह से बाहर निकल रही है। इस चीज़ को बेटा समझिए और इसका फीडबैक ज़रूर भेजिए हमारे पास। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।